So students, we are continuing the numericals. I will take one more question here. Question hai, ek LCR circuit dekar hai. We have an LCR circuit given, connected with an AC supply. ये 2 ओम इसको लिख के है, 2 ओम का मतलब ये L नहीं है, बल्कि ये काई L है, इसका खास ख्याल रखा जाए, अगर ये हेनरी होता तो L होता, इसको लिख कर है 8 ओम, तो काई C 8 ओम है, और रेजिस्टर को भी लिख के है 8 ओम, और जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, that is 10 cos 100 pi t, find impedance एक तो आपको बेटा impedance evaluate करना है impedance current And the most important part, potential difference across A and B. This is A, this is B. तो solution आप बड़े गौर से आप बेटा इसका देखेंगे. Very important question है. तो सबसे पहले impedance में कोई problem ही नहीं होना चाहिए. Impedance of LCR circuit is R square plus. काई L माइनस काई C होल स्क्वायर तो यहां पर बेटा हमें R देकर है 8 ओम्स प्लस काई L इज 2 दिस इज 8 इसको आप सॉल्व कीजिए इट इज 64 यह आएगा माइनस 6 स्क्वायर दैट्स 36 Under root 100, solve will be 10 ohms. ये बना इसका impedance हमें, 10 ohms. ठीक है? अब ये देखना है, क्या इसमें current lead करेगी कि lag? चूंकि अगर देखा जाए, chi L ज्यादा है, chi C ज्यादा है chi L से. काई सी ज्यादा है काई एल से गौर से बेटा आप देखेंगे आप इसका कारण निकालनी है ना सिंस काई सी इज ग्रेटर देन काई एल तो ये कैपेसिटिव डोमिनेटिंग बन गया ना देयरफॉर करंट लीड्स वोल्टेज बाय फाई अब मसला ये फाई कैसे निकाला जाएगा फिर एक बार हम इंपीडेंस ट्रायंगल की तरफ जाएंगे In LCR circuit, this is base, इसका perpendicular, chi L minus chi C बनता है, और ये बनता है Z. ठीक है? तो इस हिसाब से, tan phi आएगा ना, इस इधर मगर हम chi C minus chi L लिखेंगे, ठीक है? chi C minus chi L by R. तो tan phi आएगा, what is chi C? 8 minus 2 divided by 8 6 by 8 क्या आएगा 3 by 4 तो उसी ट्रायंगल के हिसाब से वो 4 by 3 आया था ना ये 3 by 4 आ गया तो 37 degrees तो अगर ये 37 आ गया तो करंट आएगी I naught sine of omega t plus 37 degrees why because current has to lead so it's plus 37 degrees. ठीक, तो current की क्या equation अब बनेगी? What will be the equation of current? वो देखिए अब आप. तो अब आपको ये peak value यहाँ पे पता होना चाहिए.
तो यहां पे चूंकि वोल्टेज देकर है ना कॉस में, तो करंट को भी हम कॉस में ही रखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, गौर से, वेरी गुड, देयर फोर आई नॉट पहले निकालेंगे। आई नॉट आएगा ना वी नॉट बाई जेड, वी नॉट 10, जेड भी आपने निकाला अभी 10, तो 1, तो करंट आएगा आई नॉट की जगह 1 कॉस ओमेगा अपना ही, ये निकली करंट की इक्वेशन। अब इसमें तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ कैन यू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस ए बी, वो देखो आप अक्रॉस ए बी पोटेंशियल डिफरेंस इज इंस्टेंटेनियस। जब हम देखेंगे, हम पहले उसका पीक वैल्यू देखेंगे, वो आएगा इधर बेटा, इफ वी विल फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस करंट इनटू द रेजिस्टेंस, इट इज काई सी माइनस काई एल, क्योंकि ये है ना एल सी सर्किट। ठीक है, आपको अगर पता है, अगर आप ये करंट का फेज लेंगे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आगे जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पीछे आएगा, तो ये दो वेक्टर रह गए इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इनका रिजल्टेंट सिंपल सब्ट्रैक्शन निकलेगा। दैट्स व्हाट वी आर राइटिंग हियर, वी इज इक्वल टू आई तो पहले ही निकाला है कॉस 100 पाई टी प्लस 37 डिग्रीज, शाबाश। काई सी है 8, काई एल है 2, 8 माइनस 2 इज 6, सो द इंस्टेंटेनियस अक्रॉस ए बी इज 6 cos 100 pi t प्लस 37 डिग्रीज। हाँ, यहां पर एक और चीज आपको ज़हन में रखनी है, व्हाट विल हैपन टू द फेज नाउ। ठीक है, ये तो करंट का फेज है, गौर से, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ गया बीच में हमें। देखो अक्रॉस ए बी क्या क्या लगा के, एल और सी, ठीक है, तो अक्रॉस एल और सी क्या आप लिखेंगे वोल्टेज की एक्सप्रेशन, आई इंटू रेजिस्टेंस, अक्रॉस एल सी रेजिस्टेंस इज ओनली काई सी माइनस काई एल। मगर 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 व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज। देखिए, जब आप इन दो का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो एक ही निकलेगा ना, अगर वी सी बड़ा है तो खाली वो रहेगा, फिर इन दो का ऐसे, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहां पर हम कहेंगे, इधर इस सेटअप में एक चीज मुझे बढ़ानी पड़ेगी, V इज इक्वल टू काई सी मेरा 8 है, ये 2 है, ठीक, I की जगह क्या लिखेंगे आप, एट माइनस टू V इज इक्वल टू आई आर है कॉस 100 पाई टी 37 माइनस 90, क्योंकि फेज आएगा, देर विल बी अ फेज चेंज ऑफ 90 डिग्रीज हियर। सो वी गेट 6 cos 100 pi t माइनस 53 डिग्रीज।
इट्स ए कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट, तो करंट इसको लीड करेगी ओवरऑल में, मगर एक्रॉस एल सी आपको खाली देखना था क्या होगा। ठीक है, तो अब हम एल और सी का खाली फेजर देखेंगे, आर का नहीं। एल और सी का फेजर, करंट जो रही थी वो इधर रही थी कहीं पर, 37 डिग्री पर रह गया था ना मैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे हमें -90 लिखना पड़ा। थैंक यू।